हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। रविवार को नई दिल्ली में G20 का 18वां समिट खत्म हो चुका है। ज्यादातर मेहमान अब अपने देश लौट चुके हैं। इस समिट को बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक माना गया है। इस समिट में जहां देश दुनिया के तमाम बड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, वहीं इस समिट की कई ऐसी तस्वीरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। इस समिट को देश की मीडिया ने जितनी तवज्जो दी और जितना कवरेज दिया, वहीं विदेशी मीडिया की भी इस समिट पे पूरी नजर थी। लेकिन अब जब ये खत्म हो चुका है, विदेशी मीडिया ने इस पर जो कवरेज की है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। दरअसल भारत के दामाद कहे जाने वाले ऋषि सुनक को लेकर ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने कहा कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को G20 समिट में उतनी ही तरजीह दी गई जितनी उम्मीद थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ सुनक से मुलाकात कार्यक्रम में बदलाव किया, बल्कि शहर के बंदी कारण वो अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट भी नहीं जा सके। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऋषि सुनक 8 सितंबर को भारत पहुंचे थे। शिखर सम्मेलन में शिरकत और अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रविवार को वो वापस स्वदेश लौट गए। ऋषि सुनक के इस दौरे को लेकर द गार्जियन ने हेडिंग दी, ऋषि हु, यानी ऋषि कौन। G20 में भारत के करीब आने की होड़, सुनक निर्धारित वरीयता क्रम से भी नीचे खिसक गए हैं। अब ये बात सिर्फ ऋषि सुनक की ही नहीं, और भी ऐसे कई मीडिया संस्थान हैं जिन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को लेकर कुछ ऐसी ही बात ली है। चले आइए देखते हैं इन सब के बारे में। लेकिन जहां एक और ब्रिटिश मीडिया ने अपने प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा लिखा, वहीं कई विदेश मीडिया में भारत की खूब तारीफ भी हुई। G20 के सफल आयोजन के बाद विदेशी मीडिया ने भारत की जमकर तारीफ की। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को मजबूती मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भारत की सराहना की और इसके नतीजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत बताया है, जो वैश्विक मंच पर देश का प्रभाव बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापक वार्ताओं की एक सीरीज के माध्यम से विवादास्पद यूक्रेन युद्ध पर G20 देशों के बीच अप्रत्याशित आम सहमति बनाने में कामयाब रहा। इस वजह से देश के सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली समिट डिक्लेरेशन पर समझौते तक पहुंचने में अग्रणी भूमिका निभाई। G20 को कवर करते हुए गल्फ न्यूज ने लिखा, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता ने बहुपक्षीय कूटनीति में देश की बढ़ती भूमिका और एक ऐसी आवाज के रूप में उभरने को रेखांकित किया जिसे अवश्य सुना जाना चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स ने पत्रकार जॉन रीड ने अपने लेख में कहा, मुझे लगता है कि ये भारत और व्यक्तिगत रूप से मोदी दोनों के लिए एक निर्विवाद जीत है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट द वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत की अध्यक्षता में हुए इस G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर नरम रवैये अपनाने का जिक्र किया। G20 सम्मेलन की डिक्लेरेशन में यूक्रेन रूस युद्ध का जिक्र करते हुए इसमें शामिल राष्ट्र नरम रवैये के साथ आम सहमति पर पहुंचे। अब ये तो थी उन मीडियाओं से जिनसे हमें उम्मीद कम थी कि वो भारत के बारे में ऐसा कुछ लिखेंगे, लेकिन जिस मीडिया से इंडिया को कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी, यानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसमें भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में कहने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन उनसे जिनसे उम्मीद थी कि वो बहुत ही कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे हमें कुछ ऐसा आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे भारत भी हैरान है। पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट डॉन ने भी G20 सम्मेलन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। डॉन ने अमेरिका, भारत, सऊदी, यूरोपीय संघ के बीच रेल और शिपिंग कॉरिडोर की घोषणा की खबर छापी है। वहीं पाकिस्तानी नागरिक भी भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हर मोर्चे पर लोग पाकिस्तान को तौल रहे हैं। यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियोस पड़े हैं जिसे देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वीडियो में पाकिस्तानी नागरिक चंद्रयान 3, सूर्ययान और अब G20 का जिक्र करते हुए भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
लोगों का कहना है कि भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब जरूर करें।